पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर जा रहे सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफी हो हंगामे के बाद अतुल प्रधान की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। दिल्ली में जो हमारे पहलवान लोग बैठे हैं उनके समर्थन के लिए जा रहे थे। पहले मैं दो बार जा चुका हूँ और भी लोग हम लोग यहाँ मेरठ में प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बहुत सारे नौजवान साथी लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। उसी सब चीज़ को लेकर हम लोगों की कोशिश ये थी कि उनके समर्थन करें, लेकिन सरकार तानाशाही पर है। इसका तानाशाही का जो रवैया है उसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और आज जब हम लोग उधर की तरफ जाना चाहते थे तो रात से ही पुलिस घर पर लगी हुई थी। हम लोगों को नजरबंद किया, हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की तो पुलिस ने अरेस्ट करके पुलिस लाइन लेकर आई। क्यों पुलिस आवाज आपकी दबाना चाहते, क्यों आपको रोकना चाहते, क्या पहलवानों का समर्थन ना जाए कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसी के खिलाफ ये लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। सरकार के किए गए कार्यों को और सरकार की जो तमाम ऐसी तानाशाही की जो रवैया है उसको, उसके लिए तो विपक्ष के लोग आवाज उठाते ही, और जो जनता में जो परेशान होता है वो आवाज उठाता है। तो उन्होंने आवाज उठाने का काम किया, लेकिन वो लोग तानाशाही से उसको कुचलना चाहते हैं। और जिस तरीके से चलो हमारी तो कोई बात नहीं, हम लोग तो आंदोलन करते आए, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने आंदोलन दिल्ली के जो वहाँ पहलवान थे उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की है, इसके लिए निश्चित रूप से जनता ने माफ नहीं करी। आज नहीं जाने दिया, क्या कल जाने का प्रयास करेंगे? देखिए अगर धरना चलेगा आने वाले समय में तो हम निश्चित रूप से जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में किसान नेता और यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के नेताओं को पहुंचना था। उन्हीं में से एक मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान थे। सुबह से ही अतुल को पुलिस ने नजरबंद कर रखा था। आप खुद देख सकते हैं विधायक के घर में पुलिस का जमावड़ा था, और उस वक्त अतुल प्रधान ने कहा भी था कि कैसे उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। देखिए वजह है तानाशाही, सरकार की सोच, सरकार के काम करने का तरीका। ये जो सरकार डबल इंजन की सरकार बोलती है, तो जहां दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग दिल्ली में जाने वाले थे, उस प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की जो सरकार बताती है अपने आप को, तानाशाही यूपी में भी दिखा रहे हैं। और ऐसी तानाशाही है वो कि उस तानाशाही में इन लोगों ने सुबह, जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो पता चला पुलिस लगी हुई है, और हम लोग यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर जाना चाहते थे, लेकिन उसको ये लोग पुलिस के बल पर रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उसको हम लोग निश्चित रूप से सदन में भी उठाने का काम करेंगे। अब की बार जब सदन चलेगा हम लोग इस विषय को जरूर सदन में उठाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अतुल प्रधान किस तरह से इस पहले को तोड़ कर निकले और जंतर मंतर की तरफ रुख करने लगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि काफी हो हंगामे के बाद उन्हें अरेस्ट कर पुलिस लाइन ले जाया गया। एनबीटी ऑनलाइन के लिए मेरठ से रामबाबू मित्तल की रिपोर्ट।